सहारनपुर थाना सदर बाजार में अयूब नामक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी का अफवाह फैला रहा था को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार ने बताया कि जो भी इस प्रकार की अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजेश कुमार ने पुनः लोगों को आगाह किया कि इस प्रकार की अफवाहों से बचें और कानून को अपने हाथ में ना लें। विगत एक सप्ताह से लगातार अफवाह चल रही थी कि कोई बच्चा चोरी कर ले रहा है। इस संबंध में लगातार हमारा अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चल रहा है। थाना प्रभारी हर गांव में जाके बात कर रहे हैं, लोगों को अनाउंसमेंट करके समझा रहे हैं कि इस तरह का कोई गैंग नहीं है, मात्र अफवाह है। और इसमें हम अपना सोशल मीडिया में भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान ही एक ऐसा फेक वीडियो मिला जिसमें इस तरह की अफवाह को बढ़ावा दिया जा रहा था और कई ग्रुप में डाला गया था। तो उसमें जो एक अयूब नामक व्यक्ति जो ये रायपुर थाना मिर्जापुर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका मोबाइल भी जब्त किया गया है। उन्होंने एक ग्रुप में एक वीडियो, एक फेक वीडियो डाला है जिसमें एक आदमी बच्चा लेके जाता हुआ दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फेक है। और इस आधार पर इनके खिलाफ थाना सदर बाजार में एक अफवाह फैलाने का, लोगों में दहशत फैलाने का, लोगों में डर फैलाने का एक मुकदमा लिखा गया है। उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई, इनका जेल भेजा जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे पूरा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो भी इस तरह की अफवाह, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोई भी इस तरह का अगर फेक वीडियो चलाएगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल भी सर 4 लोगों को जेल भेजा गया। मुकदमा इसमें गागलहेड़ी थाना में भी लिखा गया है और कई थानों में लिखा गया है। जो भी इस तरह की चीज़ें मिली हम तत्काल उसमें अभियोग दर्ज कर रहे हैं और ऐसे लोगों को की गिरफ्तारी कर रहे हैं, चिन्हित करके और उनको जेल भेज रहे हैं ताकि लोगों को सबक मिले और इस तरह के अफवाह को बढ़ावा न दें। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।